अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुंचे हैं, यूके के विदेश मंत्री डेविड लामी वो भी इसराइल पहुंचे हैं। कोशिश ये कि जल्द से जल्द इसराइल हमास के बीच युद्ध विराम की डील फाइनल हो। अभी इस पर दोहा में बात हुई थी और वहां पर ये निश्चय हुआ था कि आगे की बात मिस्र के काहिरा में होगी। वहां पर दोहा में अमेरिका ने जिन मुद्दों पर बात अटक रही है युद्ध विराम को लेकर, उसके लिए कुछ प्रस्ताव दिए हैं और इस पर अब काहिरा में बात होनी है और जल्द से जल्द कैसे लागू किया जाए इस पर बात होनी है। लेकिन इस बीच इसराइल पर हमले और इसराइल के हमले, ये दोनों जारी हैं। इसराइल पर देखा जा रहा है कि दक्षिण इसराइल में भी हमला हो रहा है और उत्तर इसराइल में भी हमला हो रहा है। हिजबुल्ला ने उत्तर इसराइल पे अभी एक दिन पहले कम से कम 55 रॉकेट एक साथ दागे। हालांकि किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। आयलित हाशहर का इलाका है, कम्युनिटी है, वहां निशाना उस जगह को बनाकर ये 55 रॉकेट दागे गए थे। अधिकतर जो है वो इंटरसेप्ट कर लिए गए। कुछ हिजबुल्ला के रॉकेट जो है वो खुले इलाके में गिरे, वहां पर कुछ देर के लिए आग लग गई। इधर इसराइली सेना ने लेबनान में कम से कम 3 जगहों पर एयर स्ट्राइक्स किए हैं। उनके मुताबिक, इजरायली सेना ने जो जानकारी दी है उनके मुताबिक, दक्षिण लेबनान के शेबा इलाके में उन्होंने कुछ आतंकियों पर, एक टेररिस्ट सेल पर एयर स्ट्राइक किया। यहीं पर एक वेयरहाउस था जो हथियारों का, उस पर एयर स्ट्राइक किया गया। और दक्षिण में ही 2 मिलिट्री इमारतों को भी उनके लड़ाकू विमानों ने निशाना बनाया, ऐसी जानकारी इसराइल की मिलिट्री ने दी है। लेकिन लेबनान से आ रही खबरों के मुताबिक इन हमलों में 10 लोग मारे गए हैं और कम से कम 2 बच्चे हैं, 5 लोगों को घायल बताया जा रहा है। और यह भी दावा है कि इसराइल ने जो हमला किया वो उससे उन इमारतों का कोई भी मिलिट्री से लेना देना नहीं था, बल्कि ये रिहायशी इमारतें थीं और इनमें सीरिया के कुछ नागरिक जो हैं वो रह रहे थे। अब डीएनए टेस्ट किया जा रहा है कि ये लोग कौन थे, क्या थे। तो ये जो हमले हैं वो लगातार जारी हैं। इसराइल भी जवाब दे रहा है, हिजबुल्ला की तरफ से भी लगातार हमले हो रहे हैं और इस बीच युद्ध विराम को लेकर भी बातचीत जारी है। क्योंकि अगर एक बार युद्ध विराम हो जाता है तो उसके बाद ना तो ईरान ना ही उसके और जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे हिजबुल्ला हो, हुती हो, ये इसराइल पर हमला करेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली से कादम मिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।